ब्रह्मपुरी तालुका शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन का सम्मेलन और उसके पश्चात मानदंड बढ़ोतरी के लिए सरकार विरोध में तीव्र निदर्शन किया। 15 से 20 वर्षों के राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजना अंतर्गत 1500 इससे कम मानदंड में जिला परिषद और प्राइवेट स्कूल में दोपहर का भोजन बनाने वाले शालेय पोषण आहार कर्मचारियों का तालुका सम्मेलन स्थानीय पेट वार्ड में सम्पन्न हुआ। इसमें उद्घाटक के तौर पर संगठन के राज्य महासचिव कॉम्रेड विनोद खोड के साथ उद्घाटक कॉम्रेड श्रीधर बाढ़े, जिला संघटक आयतक कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान कॉम्रेड कुंदा कोहपरे, कॉम्रेड सुशीला ढूंगड़े, कॉम्रेड रेखा ढूंगड़े, दिवाकर राउत, जय घोष दिखोरे, देवेंद्र भर्रे प्रमुख इनके साथ आदि उपस्थित थे। अधिवेशन में कर्मचारियों के विविध मांगों संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों को कम से कम 24,000 वेतन दिया जाए, चपरासी कम कुक इस पद पर नियुक्ति दी जाए, सामाजिक सुरक्षा लागू की जाए, मार्च से बकाया ईंधन बिल और मानधन जल्द दिया जाए, कर्मचारियों को गलत पद्धति से काम से कम न करे, उनके काम के अलावा ज्यादा काम न बताए। ऐसे निर्णय लेकर आने वाले 4 अक्टूबर को पूना के शिक्षण संचालक कार्यालय पर विशाल धरना आंदोलन किए जाने की जानकारी कॉम्रेड विनोद जोड़ी ने दी। आगामी 3 वर्ष के लिए 21 लोगों की नई कार्यकारिणी गठित कर अध्यक्ष के तौर पर कॉम्रेड कुंदा को परे तो सचिव पद पर कॉम्रेड दिवाकर राउत और कार्याध्यक्ष के तौर पर कॉम्रेड जय घोष दिखोरी इनकी नियुक्ति की गई। मानधन बढ़ोतरी और बकाया मानधन के लिए सरकार विरोध में तीव्र नारेबाजी निदर्शन किया गया। इस समय तहसील के सैकड़ों शापुआ कर्मचारी उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन कॉम्रेड जय घोष दिखोरे तो आभार कॉम्रेड देवेंद्र भर्रे ने माना। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए ब्रह्मपुरी से प्रतिनिधि विनोद डोनाड़कर की रिपोर्ट।